अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो एक इंटरनेशनल हाउस के ऊपर है, बल्कि रिसेंटली जे डॉट की कुछ नई फ्रेगनेंसेज रिलीज़ हुई हैं। एक है शेर दिल, एक है फ्रंट लाइन और एक है मेरीन। यार जे डॉट के ऊपर ना मुझे अब बल्कि आप लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट भी की कि यार इस तरह की इनकी फ्रेगनेंसेज के ऊपर डिस्कस करें। जे डॉट की रेपुटेशन देख के ना यार मेरा दिल नहीं किया कि इनको डिस्कस करूँ। 7,500 रुपये की फ्रेगरेंस है, अगर इनको सारों को मिलाया जाए तो 22,000 रुपये की ये फ्रेगरेंसेज बनती हैं। तो वैसे ही इनकी परफॉर्मेंसेज ऐसी हैं, इल्ला माशाल्लाह कोई एक फ्रेगरेंसेज है बगैर सब का अल्लाह हाफिज़ है। तो इस वजह से मैंने उसको डिस्कस नहीं किया, कंसिडर नहीं किया। फिर मैंने सोचा कि यार मैं इसको ले लूँ, और इसको लेने के बजाय मैं फिर इंटरनेशनल किसी फ्रेगरेंसेज के ऊपर क्यों ना डिस्कस करूँ ताकि आपको लेने में भी आसानी हो। तो बहरहाल इनको भी करेंगे और इंटरनेशनल फ्रेगरेंसेज पे भी करेंगे। और बल्कि एक भाई ने मुझे ना कहा, एक उनका मैंने कमेंट देखा कल, उन्होंने मुझे कमेंट में कहा हुआ कि यार आप ना मेरी रिक्वेस्ट को भूल गए हैं। उनकी रिक्वेस्ट थी 1 मिलियन के ऊपर। तो इंशाल्लाह सर आपकी वीडियो की जो रिक्वेस्ट है उसके ऊपर भी मैं जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊंगा। आज जिस फ्रेगरेंस के ऊपर मैंने वीडियो बना रहा हूँ ये है मोंट ब्लांक लेजेंड। थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ आपको, अच्छी फ्रेगरेंस है। मैंने जिसको भी चेक करवाई, टेस्ट करवाई, उसने पसंद की है। प्राइस रेंज इसकी अप्रॉक्सीमेट है कोई तकरीबन 6,000-6,500 के राउंड अबाउट है, 100 ml की बॉटल के अंदर। अच्छी फ्रेगरेंस है, अपीलिंग फ्रेगरेंस है। इसकी परफॉर्मेंस जो है, परफॉर्मेंस अच्छी है। इसकी जो सियाज है, सियाज में मुझे थोड़ा सा ये वीक महसूस होता है, लेकिन ये लास्ट अच्छा करता है। आजकल तो वैसे ही खैर क्लाइमेट अच्छा है तो ज़रा लास्टिंग अच्छी है मुझे। बल्कि मैंने एक दफ़ा सुबह 9:30 बजे के करीब लगा के घर से निकला हूँ, तो रात को 12-1 बजे के करीब, हाँ 12 से 1 के दरमियान ना मुझे मेरी बेगम कहती कि जी आपकी जो फ्रेगरेंस है ना, जो खुशबू गई हुई, आप अब भी पास आते हो ना, गुजरते हो ना तो खुशबू आती है। बहरहाल मैं इस बात को ऑन नहीं करता। क्यों ऑन नहीं करता? हो सकता है मेरे कपड़ों से आ रही हो, कपड़ों पे लास्ट ज़्यादा कर जाती हो, बॉडी का सियाज ख़त्म हो गया हो, इस वजह से मैं इस तरह की बातों को ऑन नहीं करता। ये मुझे मेरी बेगम ने कहा ज़रूर है, लेकिन मैं ऑन नहीं करता। मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता कि ऐसे भी होगा, पर ये इन केस मेरे साथ था, पॉसिबिलिटीज हैं आपके साथ भी हो जाए, लेकिन ज़्यादातर चांसेस हैं ऐसा ना हो। बहरहाल एक जो सियाज है इसका, वो तकरीबन कोई 2 घंटों के आसपास तो रहता है, 3 फुट के आसपास, लेकिन थोड़ा सा डिम हो जाता है। ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग किस्म का सियाज नहीं रहता, थोड़ा सा सॉफ्ट सा डिम हो जाता है। उसके बाद इसकी जो लास्टिंग है, आजकल के क्लाइमेट के अंदर 5 घंटों के आसपास, 6 घंटों के आसपास, या 7 घंटे कर लें, एक ज़्यादा से ज़्यादा 7 घंटे, लेकिन 5 से 6 घंटों के आसपास, ये इन दिनों के अंदर आजकल जिस तरह क्लाइमेट ठंडा है उसमें ये रहता है। फ्रेगरेंस ये कैसी है? फ्रेगरेंस अच्छी है, अपीलिंग है, ज़रा बबल गमी टाइप की फ्रेगरेंस है, फ्रूटी टाइप की टोन्स है इसमें। ओपनिंग आपको फ्रूटी टोन्स मिलेंगी, प्रॉपर आप महसूस कर लेंगे यार ये पाइन एप्पल या एप्पल है, इस तरह की टोन्स आपको मिलेंगी जो की नोट्स हैं। और भी चीज़ें जो की नोट्स जो महसूस होते हैं ज़्यादा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद इसमें आपको ना इसके नीचे आए तो थोड़ी सी ना एक एरोमेटिक टाइप की, दाना दाना टाइप की, जैसे आपको पाउडरी टाइप की, कुछ पाउडरी तो खैर उधर टोन और हो जाती है, लेकिन एक ना जिस तरह कोई दाना दाना टाइप की टोन नहीं होती, एरोमेटिक टाइप की फ्रेगरेंस आपको मिलती है। लेवेंडर का टोन बड़ा प्रॉपर, बड़ा क्रीमी सा टोन इसमें आपको महसूस होता है, बस दाना दाना नहीं, क्रीमी सा कर लें उसको, बड़ा अच्छा टोन मिलता है इसमें। उसके बाद ये ड्राई डाउन के अंदर ना जरा लीनियंट सी, सॉफ्ट सी, एक स्वीट सी फ्रेगरेंस हो जाती है। उसके बाद इसमें कोई ज़्यादा एक ना चेंजेस नहीं आते इतने ज़्यादा, या इसको कह लें कि आप इसमें कोई इसमें कॉर्नर्स नहीं है इसके ज़्यादा मजीद, पर सॉफ्ट सी, स्वीट सी, लीनियंट सी फ्रेगरेंस है। फर्स्ट टाइम एक तो ना फ्रेगरेंस का ओपनिंग अच्छा लगता है, बकाया नहीं अच्छा लगता। इसका ओपनिंग टू ड्राई डाउन तीनों फेजेस अच्छे लगते हैं और अपीलिंग फ्रेगरेंस है। जिसको भी टेस्ट करवाएंगे ना, बहुत सी ऐसी फ्रेगरेंसेज होती हैं बंदा कहता है कि यार नहीं यार मज़ा नहीं आया, लेकिन बाद में अच्छी लगती हैं। लेकिन ये फ्रेगरेंस मुझे ऐसे महसूस हुई कि जिसको भी मैंने टेस्ट करवाई ना, अपने लड़कों को, दोस्तों को, अपने ग्रुप में, जिसने भी देखी ना, वो कहता है कि यार ये फ्रेगरेंस खूबसूरत है, अच्छी फ्रेगरेंस। और वैसे भी ये फ्रेगरेंस अच्छी है, काफ़ी पॉपुलर आइटम है, मशहूर आइटम है, पर प्राइस से थोड़ी सी ज़रा स्लाइटली सी है, लेकिन इंटरनेशनल हाउस है तो कुछ किसी हद तक वेरी भी करती है हमारे यहाँ डॉलर की प्राइसेस की वजह से। आप लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया हो तो अपनी ओपिनियन ज़रूर मुझे शेयर कीजिएगा, आपका क्या एक्सपीरियंस है इसके बारे में, गर्मियों में इसकी परफॉर्मेंस कैसी आपको मिली है, सर्दियों में आजकल के अगर आपने इसको यूज़ किया हुआ है इस तरह के क्लाइमेट में तो आप क्या एक्सपीरियंस रहा है, वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहरहाल गर्मियों में मैं इसको मज़ीद टेस्ट करूँगा, टेस्ट करने के बाद मज़ीद एक आपको रिव्यू शॉर्ट सी वीडियो में दूंगा कि यार गर्मियों में ये कैसी लगी है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।